हिंडेनबर्ग मामलारे आदानी ग्रुप्र बड़ विजय आदानी ग्रुप को क्लीन चिट उपरे सुप्रीम कोर्ट का मोहर कोर्ट कहिले एसआईटी जांच आवश्यकता नहीं न्यूज रिपोर्ट आधार रे सेबी जांच उपरे करी हेबनी संदेह हिंडेनबर्ग मामलारे सुप्रीम कोर्ट का बड़ राय कोर्ट कहिछंती वर्तमान एसआईटी जांच रो कोनोसी आवश्यकता नहीं मामलार शुणाणी बेले कोर्ट सेबी जांच रे कोनोसी प्रकार हस्तक्षेप करिवे नहीं बोली स्पष्ट करि दैछंती सठिक प्रमाण बिना सेबीर तदंत को एसआईटी को हस्तांतर करिवार कोनोसी आधार नथिबा कहिछंती कोर्ट वर्तमान सुधा 24 टी मामलारु 22 टी रो जांच सेबी द्वारा शेष होईछि बाकी दुईटी रो तदंत आसंता 3 मास रे शेष करिबा को निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट निवेशकंक सुरक्षा पई तत्काल व्यवस्था करिबा सह नियम को आहुरी सुदृढ़ एवं एथिरे सुधार आनिबा को परामर्श दैछंती कोर्ट न्यूज रिपोर्ट एवं कोनोसी तृतीय पक्ष संगठन उपरे भरोसा करी वैधानिक नियामक उपरे प्रश्न करिबा उचित हेबो नाही बोली कोर्ट कहिछंती यहाँ सो एक्सपर्ट कमिटी रा सदस्य को नहीं उठुतिबा प्रश्न को खारज कर दैछंती कोर्ट में एसआईटी की कोई जरूरत नहीं है सेबी का जो सिस्टम है वो सही है रोबस्ट है उनकी जो रेगुलेशंस है वो सही है उनमें कोई ऐसी कमी नहीं है दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अखबारों की रिपोर्टों पे मीडिया रिपोर्ट्स पे ही सिर्फ कोर्ट आना सही नहीं है और उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और ओसीसीपीआर रिपोर्ट आरपी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 22 इंस्टेंसेस हैं उसमें से 20 की तो रिपोर्ट आ गई और 20 की रिपोर्ट उन्होंने मान ली है सेबी की के सही है कि उसमें कोई गलतियां नहीं है और दो इंस्टेंसेस के लिए उन्होंने कहा कि 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की जाएगी जो 20 इंस्टेंसेस हैं जो 20 आरोप थे उनको तो जो रिपोर्ट आ गई है सेबी की और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को मान लिया इसका मतलब यही है कि वो सही नहीं पाए गए दो की रिपोर्ट अभी जारी आएगी 3 महीने में आएगी तब देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि ना कोई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ना कोई और इन्वेस्टिगेशन सारा ट्रस्ट और फेथ सेबी की इन्वेस्टिगेशन पे है पहले भी कहा था कि हिंडनबर्ग जो एसोसिएशन है या कंपनी है बाहर की उसका काम ही ये है कि मार्केटों में ऊपर नीचे उसको कराया जाए उसमें हलचल करी जाए सो दैट वो अपना प्रॉफिट बनाए उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं कि अपना प्रॉफिट बनाए इसलिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट था इन चीज़ों में लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि सेबी की रिपोर्ट जो है उसकी प्राइमेसी होगी और कोई रिपोर्ट उसके ऊपर नहीं आ सकती वर्तमान सुधा सेबी जांच रिपोर्ट रे अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली बाकी दुईट मामलें तदंत चालू रही कौन तृतीय पक्ष संस्था एवं न्यूज रिपोर्ट बदल नियामक संस्था सेबी उपरे भरोसा देखाई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यह राय को नहीं निजर एक्स हैंडल रे प्रतिक्रिया प्रकाश करी आदानी ग्रुप रो चेयरमैन गौतम अदानी कहते सुप्रीम कोर्ट को यह फैसलू स्पष्ट जे सत्यर विजय हो जो मैंने आदानी ग्रुप सह रही आसी कृतज्ञता जनाई भारत विकास रे आग को मध्य आदानी ग्रुप रो योगदान जारी रहिबो बोली से कहिछंती सुप्रीम कोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन एवं रिपोर्ट करुची सेबी ताकू ठीक बोली कहिबा संगे संगे जो एसआईटी रिपोर्ट पई डिमांड हेतला सेटा को खारज करिछंती एवं सेतिरु प्रमाणित होउची जे हिंडनबर्ग रो जो एलिगेशन सेगुड़िक सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करि परलानी जे एगुड़िक फर्दर इन्वेस्टिगेशन एसआईटी द्वारा हवा दरकार निश्चित भाव में यहाँ गोटे आपणकर आदानी ग्रुप पाई एवं केंद्र सरकार यहाँ गोटे बड़ आम कहीपर उपलब्धि बड़ आश्वासनार कथा कहिबा अधिकांश समय रे आपणकर विरोधी दल माने आदानी ग्रुप प्रति अंगुली निर्देश करथांती एवं तादरे आपण प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी को जोड़ीबा को चेष्टा करथांती तो सुप्रीम कोर्ट रो जो राय आसी आम सीधा सड़क कहवा दिस इज ए क्लियर वैलिडेशन ऑफ द फैक्ट अमेरिकार शॉर्ट सेलिंग संस्था हिंडेनबर्ग रिसर्च गत वर्ष जनवरी 24 तारीख में आदानी ग्रुप विरोध में स्टॉक प्राइस हेरफेर रो अभियोग आनीथिला अभियोग को आदानी ग्रुप खंडन करिबा सह जवाब रे 413 पृष्ठार प्रति उत्तर देथिला यहां पर एक जनस्वार्थ मामला आधार रे सुप्रीम कोर्ट मार्च 2 तारीख रे एक कमिटी गठन करथिले एवं जांच पई सेबी को मध्य निर्देश दिया जायथिला दिल्ली गगन विश्वाल भुवनेश्वर अविनाश दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।